नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक रजत पाटीदार। अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो भाई इनकी पूजा करिए, वो इसलिए क्योंकि विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल के आउट होने के बाद आरसीबी के फैंस के चेहरे देखने लायक थे, उदासी छाई हुई थी। लेकिन एक रजत पाटीदार थे जो कि क्रीज पर डटे हुए थे और अकेले लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे, ऐसी धुलाई कि बरसों तक याद रहेगा। 49 गेंदों में रजत पाटीदार ने शतक लगाया है। जी हाँ, शतक लगाया, वो भी एलिमिनेटर मुकाबले में। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने आईपीएल इतिहास में एलिमिनेटर मुकाबले में शतक नहीं लगाया था, किसी भी खिलाड़ी ने एलिमिनेटर में शतक नहीं लगाया और रजत पाटीदार ने वो कर दिखाया। 54 गेंदों में 112 रन की पारी खेली, 12 चौके और 7 छक्के लगाए। आखिर रजत पाटीदार है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय लोग ढूंढ रहे हैं। भाई इससे पहले हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना था। हम आपको बताते हैं दरअसल रजत पाटीदार है कौन, और इसके बाद मैच के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ आरसीबी की पारी में। रजत पाटीदार मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं और एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि गरीब परिवार में ये पले बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। संपूर्ण रूप से जो है इनको सब कुछ मिला जो एक खिलाड़ी को चाहिए होता है। 8 साल के जब थे तब इनके दादाजी ने इन्हें इनके हाथ में क्रिकेट का बल्ला थमाया और बोला कि जा क्रिकेटर बन, और अपने दादाजी का वो सपना इन्होंने जरूर पूरा किया है क्रिकेटर बन के। 15 साल की उम्र में रजत पाटीदार जो है गेंदबाज बनना चाहते थे शुरुआती दिनों में, लेकिन स्पिन गेंदबाजी किया करते थे। लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई मैं बल्लेबाजी में ही ठीक हूँ, और बल्लेबाजी को इन्होंने सीरियसली लेना भी शुरू किया। नतीजा ये रहा कि आज रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गिने जाते हैं। और आज की रात यानी आरसीबी और एलएसजी के इस बीच हो रहे मुकाबले के दौरान सबसे बड़े बल्लेबाज, सबसे बढ़िया बल्लेबाज रजत पाटीदार निकल कर सामने आए हैं। इन्होंने अपनी टीम को संकट से उबारा, बड़ी पारी खेली। आपको बता दें रजत पाटीदार का सैंपल करियर जो है ना, वो अभी तक ज़्यादा लंबा नहीं रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है, छोटा ही रहा है। 2588 रन इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए लगाए हैं, और 1000 से ऊपर रन T20 में इनके, और 1397 रन वो लिस्ट मुकाबलों में हैं। तो उम्मीद करेंगे किसी तरीके से रजत पाटीदार अपने करियर को आगे बढ़ाए, शानदार प्रदर्शन करें। और रही बात मैच की, तो आरसीबी ने एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 207 रन बनाए 4 विकेट खोकर, और सबसे बड़े हीरो, सबसे ज्यादा रन बनाए आपके रजत पाटीदार, 54 गेंदों पर 112 रन। साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड्स भी इन्होंने बनाए, जैसे कि प्ले ऑफ में शतक लगाने वाले आईपीएल के 5वें खिलाड़ी बने, और चौथे अनकैप्ड प्लेयर बने जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाए। इससे पहले पॉल वॉलथर्टी, उसके बाद आपके आ जाते हैं मनीष पांडे, उन्होंने भी अनकैप्ड प्लेयर रहते हुए शतक लगाया था, वो भी आरसीबी के लिए खेलते हुए। हालांकि मनीष पांडे भारत के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया था, 114 रन की पारी खेली थी। और मुझे याद है तीसरे खिलाड़ी आपके देवदत्त पडिक्कल, इन्होंने भी शतक लगाया, और आज जो है रजत पाटीदार ने शतकीय पारी खेली है। तो कैसी लगी आपको रजत पाटीदार की ये वीडियो, उस पर बनाया गया ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही रजत पाटीदार की इनिंग्स के बारे में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये खिलाड़ी कहां तक आगे जाएगा। धन्यवाद।